वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे सीलिंग फ़ैन। ये हैंडमेड है, हाथ से बनने वाला सीलिंग फ़ैन है। इसमें जो कंपनी ने फार्मूला डाला हुआ है वो डाला हुआ है 34 नंबर और 30 नंबर, 30 और 34 नंबर है। इसका जो 34 नंबर का वज़न है तकरीबन 35 ग्राम है और जो 30 नंबर है उसका वज़न 44 ग्राम है तकरीबन। तो दोस्तों, ये दो पंखे एक ही कंपनी के हमारे पास आए थे। हमने एक को जेन्युइन फार्मूले पे बनाना है और एक को हमने पहले बनाया है, इसको अपने से फार्मूला डाल के 3230 डाल के हमने बनाया है। हम इस वक्त फ़र्क देखना चाह रहे थे कि हमारे फार्मूले में और इसमें फ़र्क कोई है कि नहीं है, या ये फार्मूला से चलता है या वो चलता है। तो दोस्तों, इसकी कोर तकरीबन 1 इंच या 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा है तकरीबन। तो अगर आप पहली दफ़ा काम कर रहे हैं या आप नया कर रहे हैं या आपको नया नया स्टार्ट किया आपने या करना है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी मोटर को आपने वाइंड करना है, पंखे को वाइंड करना है, उसको आपने सिर्फ जो है ना जेन्युइन फार्मूले में ही वाइंड करना। आपने अपने से उसको चेंज नहीं करना फार्मूले को। और दोस्तों, उसके लिए आपने करना क्या है कि जो भी आप फार्मूला निकाल लें उसकी काउंटिंग कर लें, उसका वज़न कर लें, उसके बाद उसको आप टर्ने उसकी यानी कि कॉयल बनाएं उसके, उसके बाद आप पंखा शुरू करें। तो एक ये तरीका है। और जो हम करते हैं तरीका यूज़ करते हैं वो हम आपको गुर की बात है वो आपको बताते हैं, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। हमने क्या करना है कि इसका वज़न कर लिया, हमने फर्मा बांध के इस पे जो है ना तार का जो गोट है तार की उसको ऊपर रख देना है, कंडे के ऊपर रख देनी है। इसके ऊपर रख के जब वो हम कॉयल बनाएंगे तो जितना हमें वज़न चाहिए होगा उतना हम वज़न उस पर चढ़ा देंगे। उसका वज़न हम इस कॉयल के साथ चेक कर लेंगे और उससे क्या होगा कि एक तो हमें टर्नों का पता चल जाएगा कि हमारे कितने टर्नें डलनी हैं, हमें ये गिनती नहीं करनी पड़ेगी इसकी, और दूसरे नंबर पे हमारा टाइम बच जाएगा और तीसरे नंबर पे पंखे की स्पीड सही रहेगी। जितना वज़न हमें चाहिए उतना ही जाएगा, ज़्यादा काम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप फर्मा सही तरह बांधें, फर्मे को छोटा बड़ा ना हो। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम पंखा जब बनाएंगे तो हम तार का गिनती नहीं करेंगे, तार के हम गोट का वज़न करेंगे। दोस्तों 50 ग्राम इसका वज़न है गोट का, गोट समेत इसकी जो तार पेटी है इसके ऊपर। अब हम बनाते हैं कॉयल, कॉयल के बाद हम देखते हैं इसका। दोस्तों अब हम बनाएंगे इसके कॉयल। दोस्तों हमारा कॉयल ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम करते हैं वज़न, वज़न करके देखते हैं हमने जितनी हमारा वज़न पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं तो 215-16 ग्राम, यानी कि हमारा जो 35 ग्राम का कॉयल था ये 34 नंबर का हमने डाली है। हमने 600 टन पूरी डाली है तो हमारा ये 15-16 ग्राम यानी कि बचाया इसके पीछे 215-16 ग्राम। 35 ग्राम हमारा पूरा डल गया इसमें, यानी कि हमने काउंटिंग भी नहीं की थी जो टर्ने थी इसकी, हमने ऐसे ही लपेटा और उसके ऊपर अपने 600 टन डाल के उसका वज़न कर लिया हमने। अगर हम पहले हमने 550-600 रुपये कर लेना है, 550 रुपये कर लेना अगर पूरी ना हो तो फिर हमने ज़्यादा डाल लेनी है।
सौ हमने पंखा मुकम्मल तैयार कर लिया। अब इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं, कनेक्शन आप देख सकते हैं। हमने दोनों सिरे साइड वाले ले लिए, मेन तार पे इसका एक मेन बना लिया ये वाली नीले रंग, और साथ हमने ये दोनों दूसरी तरफ जो है कैपेसिटर की तारें लगा दी हैं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। और जो ये बाहर वाली तार होगी मेन रनिंग की होगी, जो मोटी तार जो होती है वो रनिंग की होती है, उसको हम निशानी लगाने के लिए गिरा लगा देंगे। ये हमारी होगी रनिंग की, हम पैसों को लगाएंगे तो ये रनिंग में जिस हमारी इस्तेमाल हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। पंखे जो कनेक्शन थे ये साथ साथ ही थे, एक सिरा यहाँ से निकाल के साथ ही दूसरे सिरे में चला जाता था, यहाँ से निकल के यहाँ पे और यहाँ से निकल के आप ये देख सकते हैं ये दूसरी जगह पे आ गया। ऐसे ही इसके अंदर के वाले कनेक्शन थे, ऐसे ही इसके बाहर वाले कनेक्शन हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लंबी है तार ज़रा, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। जितने कम जोड़ होंगे उतनी कम कंप्लेन आएगी आपको। हम सिर्फ पंखे में दो जोड़ लगाते हैं, एक ये हो गया ना जो तो मेन तार है वो निकलनी होती है, निकलनी होती है, बाकी हमने कोई जोड़ नहीं लगाना होता। ये सिर्फ एक ये जोड़ आप देख सकते हैं, एक ये जोड़ देख सकते हैं, पूरे पंखे में हमारा यही जोड़ होता है और कोई जोड़ नहीं होता। दो ही जोड़ लगाते हैं हम पंखे में, उससे ये होता है कि कम से कम लूजिंग होती है और कंप्लेन कम आएगी। तो इस पंखे को इस तरह धागा लगा लें तो पेपर बाहर नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो कनेक्शन अंदर की तरफ जा रहे हैं बाहर निकल रहे हैं मेन तारे, इसके नीचे पेपर रख लिया करें ताकि क्रॉसिंग ना हो। ये जो गर्म जब होता है ना पंखा चलता है तो ये आपस में जुड़ के क्रॉस हो जाता है पंखा, तो यहाँ से कॉयल भी डैमेज हो जाते हैं। ये पेपर रखने से ये होगा कि ये कॉयल नीचे से डैमेज नहीं होगा ना क्रॉस होगा। ये उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।